मुख्यमंत्री कमलनाथ सिवनी के घिघोरी दिधोरी पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु रत्नेश्वर धाम में भगवान शंकर का आशीर्वाद लिया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर और पूर्व सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद को किसान का बेटा बताते हैं और किसान के बेटे पर ही लात मारते हैं। सिंह जी तो कहते थे मैं किसान का बेटा हूँ, कैसे किसान के बेटे है कि पेट में मारते हैं लात और छाती में मारते हैं गोली, और आप कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ। मोदी जी कहते थे हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो मोदी जी से कहता हूँ बता दीजिए हमें 20 लोगों का नाम सुनी जिले में जिसको जिसको आपने रोजगार दिया हुए। सबसे ज्यादा अगर धोखा हुआ है, खिलवाड़ किया है, हमारे मध्य प्रदेश के नौजवानों के साथ किया है मोदी जी ने।